हेलो फ्रेंड्स, एलबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एवो सुमित का जेडेट का पूरा इंटरनल फिल्टर चेंज करने जा रहा हूं, और ये कितना फिल्टर होता है और कितने प्राइस का आता है और कैसे लगेगा ये मैं पूरा आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए, इसका स्टोरेज पानी सारा निकाल दे रहा हूँ नीचे से, और ये जो भी पाइप इसका कनेक्शन किया हुआ है उसको मैं डिसकनेक्ट कर दे रहा हूँ, जो कि मैं मशीन नीचे उतारना है और सारा फिल्टर हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मशीन को सबसे पहले हम उतार ले रहे हैं, और सारा इसका जो भी पीछे से कैबिनेट है उसको मैं खोल लेता हूँ। भेजना पड़ता है सर यहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे नया जा रहा है। तो इसमें मैं सारा जो भी इंटरनल फिल्टर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। इसमें हम मेम्ब्रेन इसमें लगा दे रहे हैं और देखेंगे कि पानी इसमें आ रहा है कि नहीं, और ये फ्लश सबसे पहले हम कर लेंगे जो कि यहाँ से पानी निकाल लेगा। चल पाए हमको, फिर जब बोला कि हम सुबह आपको फोन लगा रहे हैं। ये जेडेट मॉडल में जो अभी हम फिल्टर लगा रहे हैं ये अभी आप इसका वारंटी एक्सटेंडेड था, जो कि कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में फिल्टर दिया हुआ था। इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पहले ही पे किया हुआ था, जो कि सारा अभी फिल्टर इनका चेंज हो रहा है। और ये जो भी डिफेक्टिव पार्ट बच जाता है पुराना वाला, वो कंपनी के पास जमा करना पड़ता है, इसलिए इसका सारा पानी सारा फिल्टर का निकाल के जमा करना पड़ता है सर्विस सेंटर में, और वो आपका डिफेक्टिव पार्ट भेजता है कंपनी को। अब ये जो भी फिल्टर सारा जो नया लगा हुआ है अब इस प्रकार आप देख रहे हैं, जो कि सबसे जो पहला है वो है आपका सेडिमेंट फिल्टर, और ये दूसरा है आर्ट मैक्स, और ये जो तीसरा है ये जो मेम्ब्रेन है, जो कि इसको खोल के अंदर में लगाना पड़ता है, और ये आपका एचसीबी फिल्टर है, और पीछे आपका जो है दो फिल्टर लगा रहता है, जो कि मिनी टेक और एक कार्बन फिल्टर लगा रहता है। अब मैं इसको फ्लश कर ले रहा हूँ, ये सही है। अब मैं इसको पीपी फिल्टर में जोड़ के मशीन को चालू करता हूँ। अब इसका मैं एक बार सारा फिटिंग कर देता हूँ, और ये फिटिंग हो गया और मैं मशीन को चालू भी कर चुका हूँ, और इसका मैं TDS भी माप लेता हूँ क्या मशीन जो पानी दे रहा है वो सही है कि नहीं। तो TDS में एक बार माप लेता हूँ, ये TDS भी सही आ रहा है, जो कि पानी का पीने का लायक है इसका। इनके यहाँ पानी का जो इनलेट TDS है वो 500 के करीब है, जो कि वो अच्छा पीने के लिए नहीं है। तो ये मशीन को कम से कम 60 से 150 के बीच देना चाहिए, जो कि आ रहा है तो अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था, जो कि कितना लगता है इसका चार्जेस फिल्टर का, और ये फिल्टर कितना दिन तक चलता है। तो ये फिल्टर जो है एक साल, मतलब 6000 लीटर जब पानी आप यूज कर लेते हैं तो ही लगाना होता है। इसका आगे इंडिकेटर होता है जो कि ब्लिंक करता है, और जो इसका रेट है वो करीब आपको 6000 से लेके 8000 के बीच लगता है।
यदि आप वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये ही सालाना पड़ेगा। यदि आप AMC लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, तो आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल में एक बार फिल्टर भी मिल जाएगा, प्लस कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट यदि ख़राब होता है या आप सर्विस के लिए भी कंपनी को टोल फ्री में फ़ोन करके बुलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो कई मैं बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।